हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आज हम जिस पौधे के बारे में बताएंगे वो पौधा है ये है कैलेथिया ऑर्नाटा का पौधा, जो कि ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ये इंडोर प्लांट है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत सारी इसकी जानकारियाँ, उसको कैसे इसकी केयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बने रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लांट है ये है कैलेथिया ऑर्नाटा का प्लांट है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। इसके और भी ब्रीड्स हैं जिसमें और भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कलर के इसके लीव्स आते हैं। सबसे जो इसकी विशेषता यही है कि ये ना काफ़ी सुंदर पौधा है। ये सिर्फ लीव्स की वजह से ही लगाया जाता है, इस पर कोई फूल नहीं आता और कुछ नहीं आता, सिर्फ इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत कलरफुल बहुत सुंदर लीव्स हैं। देखिए इसकी ये बहुत ही प्यारी सी लीव्स हैं। ये घर को डेकोरेशन के लिए, आप अपने घर में अगर आपको पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है और इनडोर प्लांट्स आपको लगाने हैं तो ये बहुत सुंदर प्लांट है। बट इसकी केयर थोड़ी डेलिकेट है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अगर इसकी केयर में थोड़ी सी भी चूक होती है तो ये रूट जाता है। देखो ये रूट गया हमारा प्लांट, और ये इस तरीके से जो इसकी लीव्स है ना ये इस तरीके से जल गई है। रूट कैसे जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बात हम कर लेते हैं इसकी मिट्टी की, कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसको मैंने आपको बताया ना, इसको बहुत डेलिकेट केयर की ज़रूरत है। अगर आप इसकी केयर अच्छे से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और जहाँ थोड़ी सी भी इसको आपने अटेंशन नहीं दी ये प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब भी होने लगता है, इसकी लीफ मुरझाने लगती हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो इसकी सॉइल आपको कैसी रखनी है, इसकी सॉइल आपको गार्डन सॉइल लेनी है इसमें, और इसमें आपको लेना है कंपोस्ट, और इसमें आपको लेना है कोकोपीट, उसको मिक्स करके इसकी सॉइल बनानी है। इसकी सॉइल थोड़ी एसिडिक होती है और इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी इसको बहुत पसंद है। तो जो इसकी जो मिट्टी है वो हमेशा थोड़ी सी मॉइस्चर बना रहे इसकी मिट्टी में। नहीं तो आप चाहें तो इस गमले के नीचे ट्रे रख के उसमें पानी भी रख सकते हैं, ताकि इसको ना बराबर इसकी जो रूट्स हैं वो पानी लेती रहे, ह्यूमिडिटी लेती रहे, जो भाप बन के पानी उड़ता रहे और इसकी चारों तरफ ह्यूमिडिटी बनी रहे। इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इसको अगर थोड़ा सा भी लगा कि अगर ये सूखने लगा तो जो इसकी पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं, यही मेन रीज़न है। इसकी जो पत्तियां इस तरीके से जलने लगती हैं, तो ये सबसे पहली चीज़, ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, और जो है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी होल्ड ना करे। अगर ज़्यादा पानी होल्ड करेगा तो जो इसकी जड़ें हैं वो सड़ने गलने लगती हैं, इसको रूट रॉट हो जाएगा और इसकी जो रूट में फंगस लग जाएगा, इसलिए इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है। और ये इंडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट्स आपको पता ही है, अगर आपने लिए हैं तो थोड़े कॉस्टली आते हैं। ये 100 से लेके 150 के अराउंड पड़ जाता है, और इतना महंगा प्लांट लेके और वो सूख जाए तो ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। बाकी ये बहुत अच्छा पौधा है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से रख रहे हैं तो ये अच्छे से ग्रो भी करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी सॉइल का, और मैंने ये भी बता दिया इसको पानी कितना देना। पानी इसको आप डेली थोड़ा थोड़ा दीजिए, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो उसमें मॉइस्चर बना रहे, ज़्यादा पानी नहीं दीजिए। और डेली जैसे गर्मी का टाइम है, समर सीज़न है, तो इसके जो लीव्स हैं उस पर स्प्रे करते रहिए, ताकि ये जो लीव से भी अपने मॉइस्चर को बरकरार रखे, मेनटेन रखे। तो इसकी लीव से भी आप स्प्रे करिए, अगर आप इसकी लीव पर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे से चलता है ये, ठीक है। ये और रही सनलाइट, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये बहुत कम टेम्परेचर में ग्रो करता है, इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 18 से 23 डिग्री सेल्सियस है, इससे अबव हो जाता है तो इसकी लीव्स जो है ये ख़राब होने लगती है। और जो हमारे जो पेड़ की जो लीव्स आपको दिख रही हैं ये जो ख़राब हुई है इसका यही रीज़न है। हमने इसको डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं दी थी, बट विंडो के पास रख दिया था विंडो, और इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी जिसकी वजह से इसकी लीव्स ये जल गई। नहीं तो इसकी लीव्स एकदम ये हरी भरी थी, जैसे बाकी आपको दिखाई दे रही है ना, इसी तरीके से थी इसका ये जो प्लांट था। लेकिन इसको थोड़ी ज़्यादा गर्मी मिल गई, इसको बहुत ज़्यादा और ह्यूमिडिटी नहीं मिली इतनी, इस वजह से इसकी लीव्स ये जल गई। अब हमने जो ना इसका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया, पहले ये विंडो के पास था, अब हमने इसको ना अपनी गैलरी में लगा रखा है। ये इधर से थोड़ी इसको मतलब पार्शियल सनलाइट चाहिए और थोड़ी हवा मिलती रहे, यहाँ हमने इसको गैलरी में लगा रखा है इस तरीके से।
इसको हवा मिलती रहे और इसकी ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। अगर आप चाहते हैं इसको ह्यूमिडिटी तो कुछ प्लांट्स भी आप इसके पास रखें, और चाहें तो इस बड़े मग में या बाल्टी में, छोटी बाल्टी बकेट होती है, उसमें पानी भर के रखें, ताकि जो पानी है ना, जब वेपर्स बनते हैं तो वो वेपर्स से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर ले, उसको ह्यूमिडिटी रहे उसके आसपास, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो इसको पानी का इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत सुंदर प्लांट है, और टाइम से आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए, कंपोस्ट दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप इसको महीने में एक दो बार इसको फर्टिलाइज़र लगा दे रहे हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती है, और इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा दो या ढाई फुट तक ये बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। प्रॉपरली इंडोर प्लांट है, और आप जहाँ इसको थोड़ी कहना लाइट छनके मिल रही है वहाँ ये बहुत अच्छे से चलेगा। आप इसको कभी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इसके लीव्स ही ख़राब होने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर है भी ऐसा। और इसको लगाते कैसे हैं, ये बहुत अच्छे से फैलता है और इसके पास से ही ना बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं, इसके पास से बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं, उनको आप आराम से निकाल के दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें ये तीन है ना, इसमें ये तीन है, इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे तीन प्लांट है। अभी हमने इनको अलग नहीं कराया क्योंकि ये भी थोड़ा और बड़ा हो जाए, थोड़ा घना हो जाए, इसलिए हमने इसको अलग नहीं कराया। और ये फैलता है, बहुत अच्छे से बुशीनेस आती है, बुशी टाइप बन जाएगा ये, और बहुत सुंदर प्लांट है। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये तीन चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके पानी का, इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, और तीसरा इसको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको पार्शियल सनलाइट चाहिए, और इसके पास मॉइस्चर बना रहना चाहिए गर्मी में खासकर, और सर्दी में इसको आप कभी कभी पानी लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत सनलाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और वहाँ तब तो कमी सनलाइट निकलती है, तो उतने में ये चल जाता है, और तब इसका थोड़ा डोरमेंसी टाइम भी रहता है, तभी ये पेड़ जो है मरने लगता है, तब इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए और टाइम पे पानी लगाइए, तो ये चलने लगेगा। तो ये था आपका कैलिथिया ऑर्नेटा के बारे में। आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, अगर क्या कमी है हमारी वीडियो में वो भी बताना ज़रा, और कौन से नए प्लांट्स के बारे में आपको जानना है वो भी, हम नए प्लांट्स लेके आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पे और देखते रहें ऐसी मज़ेदार वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।